होशियार। बैठिए बैठिए जी। बताइए उमर साहब, इराक में हालात कैसे हैं? मैं जानता हूं अंग्रेज बहुत से खेल खेल रहे हैं। वो लोगों में कौमियत, सोना और ओहदे और दूसरे बहुत से हरबों से जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या वो कामयाब हो सकेंगे? अगर हमारे अंदर के गद्दारों ने धोखा ना दिया तो यकीनन फतह हमारी ही होगी। सहरा की हवाएं भी अगर अंग्रेजों की गद्दारी उठा लाई हैं, तो शिया सुन्नी भाई हत्ता के अरब भाई भी उनका मुकाबला कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उमर साहब ये बताइए कि कूतुल अमारा की क्या सूरत हाल है? अगर अंग्रेज खलीज फारिस से आते हैं तो क्या हम उन्हें रोकने की ताकत रखते हैं? कमांडर, कूतुल अमारात को बुनियाद बनाकर हमने करकुक, मोसल और बसरा में से अपने रजाकारों के छोटे दस्ते वसूल किए हैं कमांडर। मामूल की फौज के साथ साथ इन छोटे दस्तों से भी मुस्तफीद हो सकेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि दुश्मन तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कबाइल का साथ हमारे लिए जरूरी है। शमर कबीला हमारे साथ है, शेख बशीर कबीला भी हमारा हामी है, हमारी आवाज पर लब्बैक कहने वाले दीगर कबाइल भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि सिपाहियों के तबादले में ताखीर का खदशा है, तो इसलिए करीबी कबाइल के साथ रवाबित मजबूत रखना बहुत जरूरी है। हमारे सिपाहियों की तादाद कितनी है? आप इतनी ज्यादा मालूमात से अपने जहनों को मत थकाइए। आप सरहदों के लिए कितने रजाकार तलाश कर सकते हैं इस बारे में सोचिए। इंशाल्लाह मदीना से करबला तक अंदरूनी और बैरूनी इलाके तमाम दुश्मनों से मादर वतन को पाक कर देंगे। बिलाखिर हम उस्मानी दस्ते का कयाम अमल में ले आए। इस्लामी ममालिक के सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा फिदाकार सिपाही आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं। उस्मानिया दस्ते की तरह मजीद दस्ते बनाकर हम दुश्मन का शिकार करेंगे। डिजाइन पसंद करना है इत्मीनान से कीजिए। ठीक है। जरा और मैडम को देखो। खुशामदीद, बहुत अरसे के बाद आप तशरीफ लाई हैं। स्कूल में बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि निकल सकूं मैं कहीं। दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो जी। और किसी को अंदर मत आने देना। कॉक्स कहाँ है? हथियार तो आगे मगर वो कहाँ है? खुदा ही जानता है कि वो कहाँ है। कल वो कुस्तुनतुनिया में होगा लेकिन, और इसीलिए हमें मोहतात रहना है। तो फिर पहले कोक्स की यहाँ पर मेजबानी करना चाहेंगे, उसे यहाँ लेकर आना ये तुम्हारा काम है। ठीक है, हर जगह अपने आदमियों को तैनात कर दो और तमाम गलियों को महफूज बनाओ। तुम सुलेमान अस्करी को मुझसे बेहतर जानते हो यारवंत, मालूम है ना वो कुछ भी कर सकता है। कुस्तुनतुनिया के किसी भी कोने में किसी भी खतरे का इम्कान हुआ तो हमारे आर्मीनियाई अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग बगैर किसी खौफ के उसे यहाँ ला सकते हैं।
लेकिन तुम फिर भी सुलेमान अस्करी और उसके सिपाहियों को कम मत समझो। सुलेमान अस्करी इस वक्त नए दस्ते की तैयारियों में मसरूफ है। तुमने सुना होगा, उस्मानी दस्ते में भर्तियों का ऐलान हुआ है। सिपाही फौज में शामिल होने के लिए जमा हो रहे हैं। अगर हम अभी हरकत नहीं करते तो कल बहुत देर हो जाएगी।